हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर मक्खनी ग्रेवी की रेसिपी, जो बहुत ही यमी बनती है और सिर्फ 15 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए अब जल्दी से इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। ये मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के प्याज, इसे रफली मोटा कट किया है, और 3 मीडियम साइज के टमाटर, 6 से 7 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 काजू और 3 से 4 हरी इलायची, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, 1/2 पनीर, इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये घर का बना हुआ पनीर है। अगर आप देखना चाहते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। नमक, जीरा, हल्दी, रेड चिली पाउडर, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। गरम मसाला, सूखा धनिया, कसूरी मेथी, और ये मैंने लिया है बटर, ये अमूल का बटर है, तो मैंने एक छोटा टुकड़ा उसका ले लिया है, और ऑयल। हम एक पैन गरम कर लेंगे, इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच ऑयल, और साथ में ही मैं डाल दूंगी बटर। अब हम इसे थोड़ा गरम होने देंगे। जैसे ही गरम हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, इलायची भी डाल देंगे, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हम 1 मिनट के लिए सोते कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन, इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए सोते करेंगे ताकि इसका जितना भी कच्चापन है वो निकल जाए। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च, और साथ में हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर को कुछ सेकंड सोते करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे काजू। बस कुछ सेकंड के लिए हम इसे चला लेंगे, और अब इसके साथ ही हम डाल देंगे सारे मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। लाल मिर्च, ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। एक छोटा चम्मच हल्दी, एक चम्मच सूखा धनिया, और कसूरी मेथी, इसे थोड़ा हम क्रश करके डालेंगे, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुछ सेकंड के लिए इसे चला लेंगे। बस मसाले अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमें इसे मिक्सी में ग्राइंड करना है। मसाला ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे एक जार में निकाल लूंगी। हमें इसका बहुत अच्छे से एक फाइन पेस्ट बनाना है। इसमें कोई भी चीज ना थोड़ी सी भी दानेदार नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक फाइन पेस्ट बनाना है। चाहे आप थोड़ा सा पानी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे छानेंगे नहीं। इस तरह से आप देख सकते हैं, ऐसे पेस्ट एक अच्छा सा तैयार होना चाहिए। आप मिक्सी को 2 से 3 मिनट तक ना अच्छे से चला लेंगे ना, तो इस तरह से एक पेस्ट बन जाएगा। मैं उसी कढ़ाई का यूज कर रही हूँ, इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी ऑयल या बटर दोबारा से नहीं डाला है। जो मसाला डालते हुए हमने ऑयल या बटर डाला था ना, सिर्फ वही है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। हम थोड़ा सा इसमें पानी जरूर ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गाढ़ी है ग्रेवी। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। तो आप ग्रेवी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 2 मिनट उबलने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है पनीर। पनीर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें धीरे धीरे से इसे मिक्स करना है, नहीं तो पनीर टूट जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है ना, तो जो फ्रेश दूध की मलाई आती है ना, आप उसे थोड़ा सा फेंट लें और इसके बाद इसके ऊपर डालें, तो वो बिल्कुल सेम वैसे ही टेस्ट आपको देगा। और इसके साथ हम डाल देंगे बहुत सारा फ्रेश हरा धनिया, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
लग रही है ना कितनी लाजवाब, कितनी टेस्टी। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे अब हम सर्व करेंगे। तो हम इसे निकाल लेंगे एक सर्विंग बाउल में। अब हम इसे गार्निश करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे क्रीम। बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब आधा चम्मच लगा लो, इतना ही क्रीम डालना है। और डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।